बंद कमरे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, दिन भर नौटंकी हुई और आखिरकार रात के अंधेरे में उस कमरे से सोनिया गांधी का नाम निकला। राहुल गांधी के नाम से शुरू हुआ कांग्रेस का ड्रामा सोनिया गांधी के नाम पर आकर खत्म हुआ। सारा काम प्रियंका गांधी की निगरानी में हुआ। राहुल गांधी के इस्तीफे और फिर करीब ढाई महीने तक चले कांग्रेस के खेल का यही अंत होना था, और हुआ भी, क्योंकि कांग्रेस गैर गांधी परिवार का एक अंतरिम अध्यक्ष नहीं चुन सकती। मानकर चलिए कि जब कांग्रेस का महाधिवेशन होगा तो भी कोई गांधी ही पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के ठीक एक दिन पहले देर शाम तक सोनिया गांधी के घर बैठक हुई, जिसमें अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और एके एंटनी की बैठक में पूरी कहानी लिख दी गई थी। इसलिए वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई, कांग्रेस नेताओं के पांच अलग अलग समूह बनाए गए और फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये कहते हुए बैठक से चले गए कि हम इस चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ताकि कोई ये न कहे कि फैसला गांधी परिवार के असर से किया गया। अब सोनिया गांधी के उस बयान पर भला कौन भरोसा करेगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें ही चुना जाना है। इसलिए सारी कहानी का संकेत रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान से मिल जाता है। सोनिया गांधी के नाम का फैसला होने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पहले राहुल गांधी के नाम पर विचार हुआ, उनसे अध्यक्ष बने रहने का अनुरोध किया गया, उन्होंने इसे ठुकरा दिया। फिर राहुल गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा की गई और फिर सोनिया गांधी के नाम पर फैसला किया गया। मतलब पूरी वर्किंग दिन भर गांधी गांधी ही करती रही। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।